जो लोग कहते हैं कि हमको ले आइए हम आपके लिए भला करेंगे, क्या वो लोग भला कर पा रहे हैं? ये कर रहे हैं, ये देखिए लाइन में लगा लगा कर लाइन में लगा के इतनी दूर से पानी लेके आती है, ये भला हो रहा है हमारा। चुनाव आने वाले, लोकसभा चुनाव की बात चल रही है, क्या लगता है इस बार आप किसको पानी में बहाएंगी? जो पानी नहीं दे रहे उन्हीं को बहाएंगी, और क्या। किसकी हवा है, किसकी हवा है, देखो क्या हो सकता है, कुछ भी। चुनाव आने वाले, लोकसभा चुनाव की बात चल रही है, क्या लगता है इस बार आप किसको पानी में बहाएंगी? जो पानी नहीं दे रहे उन्हीं को बहाएंगी, और क्या। किसकी हवा है, किसकी हवा है, देखो क्या हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, अब चुनाव आने वाले हैं, अब जनता, अब वो समय आ गया है कि जनता महाराजा बन जाती है, तो ये महाराजा किसको शासन में लाना चाहती है? अभी तक तो देखो जो हमारी हेल्प करेगा हम तो उसी को शासन में लाएंगे, नहीं तो कांग्रेस को तो देनी ही देनी वोट है। क्या लगता है 2024 में आपकी समस्याएं सुनी जाएंगी या एक बार फिर से वोट लेके चले जाएंगे? देखो ये तो पता चलेगा अब क्या करा जाता है, कहते तो हैं हम ये करेंगे हम वो करेंगे, हर बार बताया जाता है जो सरकार आएगी हम यहाँ पे पानी लाएंगे, नौकरियां देंगे, इंस्टाग्राम पे इतनी नौकरियां निकाली हुई है, लेकिन जब उनके फॉर्म फिल करने का टाइम आता ना यही पता नहीं होता फॉर्म फिल कहाँ से होना, नौकरियां देना तो दूर की बात है। मैं बैठी हूँ पिछले एक साल से, कहते हैं कि हम खराब पानी पी लेंगे, बिना बिजली के जी लेंगे, लेकिन वोट तो मोदी जी को देंगे, ऐसा कहने की बात है, लेकिन क्या पता किसी को अंदर जाके किसके साइन पे अंगूठे लग रहे हैं, कोई देख के आता है? हाँ। कोई भी नहीं देख के आता, बाहर से लोग कह के जाएंगे कि मोदी को वोट दे रहे हैं, अंदर कांग्रेस को दे रहे हैं, तो इसका कौन बताएगा, कोई भी नहीं बताता। नमस्कार, देश की आबोहवा बदलने लगी है, 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारियां लगभग सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन जनता के मन में कौन सी पार्टी उतरी है ये जनता ही बता सकती है, और जनता के मन को समझने के लिए, उनके मन को टोहने के लिए हम पहुंच चुके हैं हरियाणा के रोहतक के गांधी कैंप में, और यहाँ के जनता ही बताएगी कि आखिर यहाँ से इस लोकसभा सीट से किसका होने वाला है बंटाधार, किसको पहनाएगी यहाँ से जनता सर पर ताज। तो बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हैं, उनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर 2024 में हरियाणा में क्या होने वाला है। सबसे पहले तो आप पानी का ये कैन लेके खड़ी है, नलके के पास खड़ी है, ऐसे क्यों खड़ी है? क्योंकि पानी गंदा आता है, तो ये हैंडपंप का पानी है जो पीने के लायक तो नहीं है, बट थोड़ा बहुत घर का काम कर लेते हैं। तो पानी भर के आप ले जाती हैं रोजाना? हाँ जी रोजाना। ये देखिए आंटी भी लेके खड़े हैं बर्तन, ये पानी भरने आते हैं हम लोग यहाँ। और पीने का पानी कैसे आता है? पीने का पानी मेडिकल से लेके आते हैं, मेडिकल से लेकर आते हैं खरीद कर। हाँ जी। अच्छा, साफ पानी देने की बात की गई थी? की तो गई थी, आता तो नहीं है। कब से नहीं आ रहा है खराब पानी? कभी हमें बहुत टाइम हो गया, जैसे गंदा पानी आ रहा है, बहुत गंदा, ऐसे काला भी आता है पानी, तो काफी टाइम हो गया। हम लोग तो यही कैन ही लेते हैं डेली में, डेली यूज के लिए, तो पीने के लिए, पीने के लिए खरीदना पड़ता है, घर के काम के लिए भरना पड़ता है। हाँ। कैसी सी जिंदगी है? जो लोग कहते हैं कि हमको ले आइए हम आपके लिए भला करेंगे, क्या वो लोग भला कर पा रहे हैं? ये कर रहे हैं, ये देखिए लाइन में लगा लगा कर लाइन में लगा के इतनी दूर से पानी लेके आती है, ये भला हो रहा है हमारा, और बच्चे बीमार हो रहे हैं, आजकल इतना फ्लू फैला हुआ है, आप वायरल हो रहा है इतना, तो आप समझ सकते हो। चुनाव आने वाले, लोकसभा चुनाव की बात चल रही है, क्या लगता है इस बार आप किसको पानी में बहाएंगी? जो पानी नहीं दे रहे उन्हीं को बहाएंगी, और क्या। किसकी हवा है, किसकी हवा है, देखो क्या हो सकता है, कुछ भी। कुछ भी हो सकता है। क्या लगता है अरविंद शर्मा एक बार फिर से यहाँ से सांसद बनेंगे? क्या कह सकते हैं। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा बनेंगे सांसद या अरविंद शर्मा बनेंगे सांसद? कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। किसको? हमारी प्रॉब्लम का हल तो कोई भी नहीं निकाल रहा है ना। हाँ जी, ये चीज़ है मेन, जो हमारी प्रॉब्लम को समझे, उसका सलूशन निकाले। हम सब इतनी प्रॉब्लम्स में रहते हैं, इतनी दूर से पानी लगता है, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको छोड़ के घर पे जाना, तो जो हेल्प करेंगे ये तो बिल्कुल उनकी तरफ रुझान होगा, पक्के तो है ही। हाँ, नहीं वैसे वोट वोट मांगने आते हैं लोग आपके पास? हाँ आते हैं, आते हैं। हाँ जी। तब तो वादे करते होंगे? हाँ बिल्कुल। तब नहीं आप उनसे पूछते हैं कि पानी आ नहीं रहा है? बोलते हैं। हाँ, कहते हैं, कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, गली के लिए बोलते हैं कि यहाँ पे कोई झाड़ू लगाने नहीं आता, लेकिन बोलते ही हैं बस, वो भी बोल के बोल बोल के वो सुन के चले जाते हैं, वो सुन के चले जाते हैं। क्यों?
पानी भरते हैं। पानी भरते हैं यहीं से, यहीं से भर के ले जाते हैं। एक गली में लगे और भी। अच्छा, घर में लगे वर्दी थी तो पानी की किल्लत इतनी नहीं रही, कम यूज होता था। अब जैसे जैसे गर्मी आ रही है, अभी से स्टार्ट हो गया ना, सुबह पानी आना ना शाम को आना, कहाँ से भरने जाएं, बच्चों को छोड़ के जाएं, बच्चों को कमा के खिलाएं या पानी भरे, क्या क्या करें? कितने टाइम पानी आता है? पानी दो टाइम इन्होंने दे रखा है, बट पानी आता तो नहीं ना। क्यों नहीं आता? आता नहीं। अब ये तो उनको पता, क्यों नहीं आता? कंप्लेन करी आपने? कंप्लेन कितनी बार कंप्लेन हो चुकी है इस चीज की, पानी तो नहीं आता। और उस पर दिखाया जाता है, अब देखो जिस घर में कोई जेंट्स कमाने वाला नहीं है, बच्चे छोटे हैं, और उनके लिए जो बच्चे पढ़कर भी बैठे हैं उनके लिए कोई नौकरी नहीं, इंस्टा पे डाला जाएगा जी एक घर एक परिवार एक नौकरी, क्या नौकरी, कुछ भी नौकरी नहीं। एक दिक्कत हो तो बताएं, राशन कार्ड जिनको जरूरत है, एक विडो है उसके परिवार में कोई नहीं, अकेली है, उसका राशन कार्ड हरा था वो भी काट के कट कर दिया गया, उसका येलो जरूरी है, जो अमीर अमीर लोग बैठे हैं उनके येलो बन रहे हैं, राशन में दिक्कत, पानी में दिक्कत, किस किस की चीज़, क्या क्या प्रॉब्लम बताएं? ये समस्याएं आज आ रही हैं कि हमेशा से रही हैं? ये हमेशा से ही चल रही हैं, काफी टाइम से चल रही हैं, अब तो काफी टाइम से चल रही हैं। ठीक है, अब चुनाव आने वाले हैं, अब जनता, अब वो समय आ गया कि जनता महाराजा बन जाती है, तो ये महाराजा किसको शासन में लाना चाहती है? अभी तक तो देखो जो हमारी हेल्प करेगा हम तो उसी को शासन में लाएंगे, नहीं तो कांग्रेस को तो देनी ही देनी वोट है, देनी ही देनी। हाँ तो फिर कैसे जीत गए बीजेपी के अरविंद शर्मा जी? वो एक बार जीत गए, अब थोड़ी जीतने देंगे, एक बार का कार्यकाल थोड़ी है, अब थोड़ी जीतने देंगे। अच्छा, क्या लगता है दीपेंद्र हुड्डा जी जीतेंगे? अभी ये कुछ नहीं कह सकते कंफर्म, कंफर्म नहीं, क्योंकि हमारी एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा उनको, एक वोट भी बहुत कीमती होता है, बहुत कीमती तो होता है, पर समझते तो नहीं। हाँ। अगर ऐसा रहा तो हम तो ना उसको वोट देंगे ना वोट बेकार कर देंगे, जब हमारा काम नहीं होगा तो वोट बेकार कर देंगे, यही होगा। ठीक है, जो क्या लगता है 2024 में आपकी समस्याएं सुनी जाएंगी या एक बार फिर से वोट लेके चले जाएंगे? देखो ये तो पता चलेगा अब क्या करा जाता है, कहते तो हैं हम ये करेंगे हम वो करेंगे, हर बार बताया जाता है जो सरकार आएगी हम यहाँ पे पानी लाएंगे नौकरियां देंगे, इंस्टाग्राम पे इतनी नौकरियां निकाली हुई हैं, लेकिन जब उनके फॉर्म फिल करने का टाइम आता ना यही पता नहीं होता फॉर्म फिल कहाँ से होना, नौकरियां देना तो दूर की बात है, मैं बैठी हूँ पिछले एक साल से खाली, नौकरी तो एक भी नहीं मिली। ACBC वालों को सारी नौकरियां दी जाती हैं, ACBC वालों की फीस माफ़ की जाती है, पंजाबियों के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ वोट मांगने आते हैं चाहे वो कोई भी हो, और इसलिए हम तो अपना वोट वेस्ट ही कर देंगे, अगर इस बार किसी ने कुछ करना होगा तो उसे ही वोट देंगे, अदरवाइज किसी को नहीं देंगे। ठीक है, अच्छा पानी की बात पे आ जाते हैं, पानी के लिए तो हम पहले ही बहुत परेशान हैं, यहाँ पानी बहुत गंदा आता है या तो आता ही नहीं है, हम लोगों को तो पानी रात को 11 बजे भरने जाना पड़ता है, कभी मेडिकल की तरफ से, कभी इधर चौकी की तरफ से, और कभी कभी पानी बंद भी कर देते हैं। बताइए, देश विश्वगुरु बन गया है लेकिन विश्वगुरु में रहने वाले लोग पानी के लिए इतना दूर दूर जाने के लिए तो सब परेशान है, सब परेशान, पीने के पानी के लिए तो सब परेशान है, क्योंकि यहाँ का पानी हम बच्चों को पिला के बीमार तो कर नहीं सकते, खारा पानी कैसे पिए, बस ये हम लोगों ने नलके लगवाने शुरू कर दिए, समर के पानी से आप लोग कपड़े धो सकते हो, घर का काम कर सकते हो, बच्चों को थोड़ी पिला सकते हो, खुद भी नहीं पी सकते क्योंकि बीमारियां लग जाती हैं। पानी की समस्या तो हर घर के अंदर है, चाहे मोटर लगी हुई है और चाहे नहीं लगी हुई है। तो कैसे कैसे निकलेगा निजात, क्या लगता है? देखो अब कैसे निकलेगा ये तो अब शासन ही बताएगा, जो आगे सरकार करेगी लोगों के लिए उसी के पास वोट जाएंगे, अदरवाइज वोट किसी के पास। लोग कहते हैं कि हम खराब पानी पी लेंगे, बिना बिजली के जी लेंगे, लेकिन वोट तो मोदी जी को देंगे, ऐसा कहने की बात है, लेकिन क्या पता किसी को अंदर जाके किसके साइन पे अंगूठे लग रहे हैं, कोई देख के आता है? हाँ। कोई भी नहीं देख के आता, बाहर से लोग कह के जाएंगे कि मोदी को वोट दे रहे हैं, अंदर कांग्रेस को दे रहे हैं, तो इसका कौन बताएगा, कोई भी नहीं बताता। तो मोदी वैसे जिनके साथ बीत रही है ना उनको पता है वोट किसको देना है। अच्छा, तो जिनसे जिनके साथ बीत रही है वही बता दे जरा कि क्या लगता है कौन आपका बंटा धार करेंगे, हम उन्हीं को वोट देंगे, अभी तो हम हमारे लिए किसी ने कुछ भी नहीं करा तो कैसे कह सकते हैं, अभी आप कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, और भी तमाम जो महिलाएं हैं उनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं, पानी की जो समस्या है, हाँ उनसे बात कर लेंगे। अच्छा, पानी की समस्या है, कब से है ये पानी की समस्या? 5 दिन से हम कर शादी आई तभी से, हमने तो हैंडपंप लगा रखे हैं, हैंडपंप से काम चल रहा है। हाँ जी, आज ना आए तो यहीं से भर लेते हैं या मेडिकल से भर के लाते हैं। कितना दूर है मेडिकल यहाँ से? यहाँ आगे दूर है, हमारे से तो चला नहीं जाता, बच्चे भर के लाते हैं आज के टाइम में भी। हाँ, डिजिटल। हाँ जी, पानी ना आए तो वहाँ से भर के लाना पड़ता है। वैसे साफ आता है पानी? वहाँ से तो साफ आता है, वहाँ से साफ आता है, यहाँ जो आता है वो साफ नहीं होता है, कभी आता है कभी नहीं भी आता।
भाई साढ़े तो अपने बच्चे पढ़े लिखे बैठे आदमी है नहीं नौकरियों वास्ते फार्म भर भर के थक गया रत्ती भर सुनाई नहीं एम कॉम कर रखी है बच्चे ने लड़की का 2 साल का बैठा था विधवा की 2 बेटी आज तक किसी ने नौकरी नहीं लगाई लड़का लगवा था मेडिकल 2500 रुपये पे अडोप पे बाप के मरने के बाद वो भी उन्होंने निकाल दिया और 6-6 महीने तनख्वाह नहीं देते थे हम अब विधवा औरत क्या करे हम तो इतने दुखी है बेटी का आदमी मरा किसी ने 1 रुपये की मदद नहीं की ना अब कोई कर रहा है अपने दम के ऊपर मेहनत मजदूरी करके खा रहे हैं वोट दे टाइम तो आवे नहीं अगे पीछे कोई पूछता नहीं मोए हो के जिंदे हो अभी फिर से वोट लेने आएंगे लोग फिर कहेंगे हर बार कहते हैं भाई कहीं आंगनवाड़ी बेटी को लगवा दो कोई सहारा बन जाए रोटी का ना मकान है उसका ना घर बार है 2 बेटे ही हैं कोई सहारा नहीं हम तो ये कह रहे हैं समस्याएं तमाम हैं और इन तमाम समस्याओं को सुनने वाला आखिर कौन बनेगा किसको जनता 2024 में एक बार फिर से मौका देगी आखिर कौन इन जनता की समस्याओं का करेगा बंटाधार ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा चलती हूँ नमस्कार।